तो हाय गाइस, मेरा नाम है प्रीतम है। आज को बताऊंगा जो मेरे बैकग्राउंड में मोबाइल के बैकग्राउंड में जो पिक्चर है, बहुत ही कूल सा फोटो है, इसको हम एडिट करके बताएंगे लाइट रूम पे। तो चलिए आज शुरू करते हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूं, मेरा जो चैनल है ना, बहुत ही नया है दोस्तों, प्लीज़ इसको सपोर्ट एंड शेयर कर दो। मेरा जो जो एडिटिंग का वीडियो है, आपका ही हेल्प से मेरा एक उपकार हो जाएगा। मैं बंगला में बोल दिया, एक्चुअली मैं बंगाली हूँ। तो ये चलो यार शुरू करते हैं। तो देख पा रहे हो, ये जो फ़ोटो है मेरा ओरिजिनल फ़ोटो है, इसको हम लाइट रूम पर शेयर करेंगे। तो लाइट रूम पर शेयर करने के बाद लाइट रूम में चले जाएंगे। तो ये रहा वो फ़ोटो, इसको हम एडिट करेंगे। तो पहले जाते हैं हम इस वाले टूल पे, इस टूल पे उसके एक्सपोजर को कुछ नहीं करेंगे, कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा कम कर देंगे, 70 में रखेंगे। हाईलाइट को थोड़ा कम रखेंगे, शेडो को भी कम रखेंगे, वाइट को एकदम डिक्रीज कर देंगे 100 पर, और ब्लैक को थोड़ा डिक्रीज कर देंगे। उसके बाद जाएंगे इस टेम्परेचर के टूल पर, इसके हम वाइब्रेंस को बढ़ा देंगे थोड़ा, 28 पर रखेंगे, टिम को थोड़ा कम कर देंगे, टिम को 10 रखेंगे। उसके बाद मिक्स वाले टूल पर जाएंगे, इसका जो येलो वाला है, सॉरी येलो ना, ग्रीन वाला जो टूल है, उसके हम ह्यू को माइनस पे कर देंगे, -14 कर देंगे, तो सैचुरेशन थोड़ा बढ़ा देंगे, 47, 48 इस पे, और लुमिनेंस को थोड़ा बढ़ा देंगे। येलो वाले टूल पे जाते हैं, उसका यू थोड़ा कम कर देंगे, थोड़ा ज़्यादा नहीं। उसके बाद सैचुरेशन बढ़ा देंगे, उसको भी 48 कर देंगे। ब्लू वाले टूल पे जाते हैं, ह्यू को थोड़ा कम कर देंगे, ज़्यादा नहीं। सैचुरेशन को थोड़ा बढ़ा देंगे, और ल्यूमिनस को थोड़ा सा। उसके बाद हम ऑरेंज वाले टूल पे चले जाएंगे, उस पर सैचुरेशन थोड़ा कम कर देंगे, और ल्यूमिनस को थोड़ा ज़्यादा, इसका हमारा स्क्रीन थोड़ा वाइट हो जाएगा, हम गोरे लगेंगे, डन कर देंगे। उसके बाद हम जाएंगे इस वाले टूल, इसका टेक्सचर थोड़ा कम कर देंगे, क्लियरिटी को ज़्यादा 34 पे रखेंगे, और डिग्निटी को थोड़ा कम कर देंगे। डिग्निटी कम करने के बाद उसका मिड पॉइंट कम कर देंगे, एकदम कम रखेंगे, 10 पर रखेंगे। फेदर को हम नहीं पकड़ेंगे, रेडियस को कम कर देंगे। उसके बाद हम फिर इस वाले टूल पे चले जाएंगे, इसका एक्सपोजर थोड़ा बढ़ा देंगे, 0.20 ईवी रखेंगे, बस हमारा काम हो गया। तो दोस्तों हम दिखा देते हैं तो बिफोर आफ्टर वाला पिक्चर, बिफोर आफ्टर तो देख पा रहे कितनी सी डिफरेंस है। तो दोस्तों ये फ़ोटो क्लिक करने के लिए आपको थोड़ा बहुत ही अच्छा लोकेशन लगेगा। तो वीडियो को अच्छा लगे तो उसको शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और दोस्तों के पास भी और शेयर कर देना। तो थैंक यू दोस्तों।